डॉक्टर विभूत प्रताप सिंह, जब हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो क्या इसका कोई साइंटिफिक पहलू अभी नज़र आ रहा है? देखिए, ये तो अभी आचार्य जी के रिसर्च है और अभी हम आगे इस बात पे चर्चा करेंगे, बट एक चीज़ हमको ये भी समझनी चाहिए कि WHO खुद हेल्थ क्या कहता है। WHO हेल्थ का कहता है कि इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जब एक स्थिति में मनुष्य सामान्य होता है तभी वो कंप्लीट हेल्दी कहता है। 1996 में WHO ने ही इसमें एक टर्म और ऐड किया, स्पिरिचुअल। WHO ने भी समझा कि जैसे जैसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बढ़ रही थी और हमारे पास सब कुछ संसाधन हो रहे थे, हमारी हेल्थी स्टेट जो थी वो डिक्रीज हो रही थी, तो उसने एक स्पिरिचुअल वेलबींग का कहा। आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को एक सकारात्मक सोच रखें। हमको ये भी समझना होगा, इतने मरीजों की हम बात सुन रहे हैं, 99% पेशेंट अपने घर अच्छे होके जा रहे हैं, जो 1% है उन्हीं के लिए हॉस्पिटल और सारा कुछ दिक्कतें आ रही हैं, पर उस 1% के लिए जिसको भी कोरोना हो रहा है वो ये सोच रहा है कि मैं तो उस 1% में आ गया, और ये कहीं ना कहीं हमारी बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करता है। लड़ाई एक युद्ध की तरह है, इसको दोनों स्तर पे देखना चाहिए, ध्यान रखना होगा, और खास तौर से जो गायत्री मंत्र का प्रयोग चल रहा है उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब नतीजे क्या आते हैं ये तो मुझे लगता है कुछ दिन बाद क्लियर होगा, लेकिन हैदराबाद से चंदा इस वक्त हमारे साथ हैं। जी चंदा, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, हाँ मुझे ना शुगर है, वो भी हाई हो गया, तो मैं वैक्सीनेशन लेना नहीं लेना ये पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर राजू व्यास, डायबिटीज या जो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सभी लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, इसलिए इन्हीं सभी रोगों से ग्रसित लोगों को पहले ही अपना वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, और आप उसी कैटेगरी में आती हैं इसलिए आपको वैक्सीनेशन तुरंत जाके लेना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा, और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में आप कोरोना से अपने आप को बचा पाएंगे। जी, और अब से थोड़ी देर में हम आपको फिर बताने वाले हैं कि कैसे आप ये पहचानें कि कोरोना को लेकर जो आपको दवाइयां मिलने वाली हैं वो मिल रही हैं वो असली हैं या नकली है, इसकी पहचान हम अब से थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन इस सब के बीच में एक रिसर्च और निकल कर सामने आ रही है, वो ये कह रही है कि अगर वायु प्रदूषण इस बार और हुआ तो कोरोना का वायरस और ज़्यादा मजबूत हो सकता है। डॉक्टर विभूत, कितना मुश्किल है अगर ये कोरोना वायरस इस वायु प्रदूषण को देखता है, और फिर क्या ये और ज़्यादा मजबूत हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है? डेफिनेटली, एरोसोल बॉर्न डिजीज़ है ये। अभी तक जितनी भी बातें हम लोग सोच रहे हैं, ये क्लोज इंडोर स्पेस में मास्क प्रिवेंशन, सारी बातें इसी तरफ जा रही हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल जो कि हवा में तैरते रहते हैं उन्हीं के थ्रू जाती है। पॉल्यूशन से इसका डायरेक्टली रिलेशन है, जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता है हमारी सांस की बहुत सारे मरीजों की दिक्कतें बढ़ती हैं, और ये हम मानते हैं कि उस टाइम पे ये बीमारी अपना ज़्यादा बढ़ती है, बट हमें इतना घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। लास्ट टाइम लॉकडाउन में अगर हम दिल्ली की बात करें तो पॉल्यूशन लेवल पिछले कई 10 दशकों से बहुत कम था, अभी भी लगभग हम इनफॉर्मल लॉकडाउन में हर स्टेट में चल रहे हैं, इस बार पॉल्यूशन हमको उतना तंग नहीं करेगा। सो हमें अगेन सकारात्मक सोच रखनी है कि हम इससे दिस टू विल पास, जो कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं मेडिसिन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।